ओ, कितनी बुरी बात है। बेचारी छोटी लियाना पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेली है। शायद कोई तो उसकी मदद करेगा। जरा इस क्यूटी को देखो, चॉकलेट खाना चाहोगी? सच में मुझे कैंडी नहीं चाहिए, मुझे फैमिली चाहिए। मैं खुद ही अपने लिए पेरेंट्स ढूंढ लूंगी। वहीं लीजी को फैमिली और कैंडी दोनों ही मिले हैं। लीजी, तुम सिर्फ डिनर के बाद ही स्वीट्स खा सकती हो। ये कौन है? हटो पेस्ट, हम बिजी हैं। आओ, सभी मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों करते हैं? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। डार्ट, हमें इसकी मदद करनी होगी। ओह, क्या तुम ठीक हो? हाँ, हाय। आओ, तुम फैमिली ढूंढ रही हो? हमारे साथ आओ। क्या आपको यकीन है डार्ट? तुम्हारे नए घर में स्वागत है। ये तुम्हारा कमरा होगा। ठीक है लड़कियों, यहीं रहो, मैं अभी वापस आता हूँ। खैर, हाय बहन। दोस्त बनना चाहोगी? जरूर, पर यहाँ कुछ ज्यादा ही अंधेरा है ना? इसे सही करते हैं। धूप नहीं, मुझे अभी टैनिंग नहीं चाहिए। कहाँ गई? क्या हुआ है? कुछ भी, पर धूप नहीं प्लीज। मुझे माफ करना बहन, ऐसा दोबारा नहीं होगा, वादा करती हूँ। तुम दोनों को भूख लगी होगी, है ना? ये लो, ये दूध और कुकीज। शुक्रिया डैड। चलो लियाना, ले लो। ये क्या है? शुक्रिया डैड। शायद मुझे खुशी हुई कि तुम लोगों को अच्छा लगा। हमें इससे जल्दी छुटकारा पाना होगा। अच्छी बात है कि लियाना बहुत फुर्तीली है। बढ़िया, लगता है हमारा काम हो गया है, मैंने खत्म कर लिया। लगता है कि दूध बहुत टेस्टी था। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें भी अच्छा लगा। अब सोने का वक्त है। स्वीट ड्रीम्स लीजी। तुम भी लियाना, कल मिलते हैं। दूध? मजाक मत करो, हम वैम्पायर्स दूध नहीं पीते। लगता है लियाना ढंग से सो नहीं पा रही। ये बेड बहुत ही ज्यादा आरामदायक है, उसे इससे गुस्सा आ रहा है। चलो इस पर काम करते हैं। लियाना आर्ट्स और क्राफ्ट में बहुत अच्छी है ना? और हो गया, अब ये बहुत बढ़िया है। ये बेड वैम्पायर के लिए बिल्कुल सही है। वूप्स, शायद मैंने उसे जगाया नहीं होगा। स्वीट ड्रीम्स डैड और बहन। लियाना, क्या तुम ठीक हो? एक वैम्पायर की स्माइल हमेशा परफेक्ट होनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने फैंस का अच्छा ख्याल रखना होगा। पर ये शर्म की बात है कि लियाना शीशे में दिखाई नहीं देती, इससे चीजें बिगड़ सकती है। हाय बहन, तुम उठ गई। लियाना, तुम शीशे में दिखाई क्यों नहीं दे रही? तुम क्या बात कर रही हो? शायद तुम ज्यादा ही सोच रही हो लीजी। देखो, शीशा धुंधला हो गया है। हे, तुम कहाँ जा रही हो? ये बहुत ही अजीब है। हाँ, ये क्या है? क्या वो एक वैम है? वैम कौन ही होता होगा? मुझे कुछ समझ नहीं आया। जल्दी आओ स्वीटी, हम एक साथ एक फैमिली की तरह ब्रेकफास्ट करेंगे। लगता है टोस्ट तैयार हो चुका है। हमारे डैड कुकिंग में बहुत अच्छे हैं। खैर, तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहोगी लीजी? लियाना, ये क्या हो रहा है? जूस पीना चाहोगी? ये सुबह पीने के लिए सबसे बेस्ट ड्रिंक है। मुझ पर भरोसा रखो, अपना खाना मजे से खाओ लड़कियों। क्या ये गार्लिक सॉस है? हाँ, मेरी पसंदीदा है। शुक्रिया डैड। देखो, उसे ये कितनी पसंद है लियाना। चलो शुरू करें। बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब मैं डाइट पर हूँ। ब्रेड नहीं और कोई गार्लिक भी नहीं। समझ गया, फिर सैलेड के बारे में क्या ख्याल है? जरूर डैड, आपका शुक्रिया। मुझे सब्जियाँ बहुत पसंद है, खासकर टमाटो। लियाना, ये तुमने कैसे? क्या तुमने टमाटर को बस जूस लिया? अब लड़कियों, स्कूल का वक्त हो गया है, जाओ और मजे करो। सीधे ए लेकर आना, ठीक है? सभी लियाना को हाय कहो, अब से ये तुम्हारी क्लासमेट है। हाय। हे, लगता है स्कूल बहुत मजेदार होने वाला है। ये सभी नए दोस्त काफी स्वादिष्ट लग रहे हैं। ध्यान से लड़की, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। क्या तुमने वो देखा कॉर्टनी? उसने मेरा फोन बचा लिया। वो कुछ भी नहीं था। खैर, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ भी नहीं था। उम्मीद है कि तुम लोगों ने अपना होमवर्क कर लिया होगा बच्चों, क्योंकि अभी टेस्ट का वक्त है। चलो शुरू करो। टेस्ट? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट को आने से मत रोको। लियाना, ऐसा नहीं होगा, तुम्हें एफ मिलता है। मुझे नहीं लगता मिसेस पेनी, मुझे ए ज्यादा पसंद है। आपको मेरी बात समझ आई? सीधा ए, कोई एफ नहीं, जैसा तुमने कहा। वो, ये बहुत बढ़िया था, तुमने वो कैसे किया लियाना? वो बहुत शानदार था, सबको एस। क्या फर्क पड़ता है?
तुम्हारा सीक्रेट क्या है लियाना? मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। किसी भी बढ़िया डिटेक्टिव को एक ऑफिस चाहिए। इस टॉयलेट से काम बन जाएगा, यहाँ थोड़ी प्राइवेसी मिल जाएगी। ठीक है, लियाना बहुत ही अजीब तरह से पेश आ रही है, पलक झपकते ही इधर से उधर हो जाती है, उसे धूप से डर लगता है। तुम क्या हो बहन, सोचो लीजी, सोचो। सुपर स्पीड चेक कर लिया, किस तरह के इंसान को धूप से डर लगता है। मैं आ गई, देखते हैं यहाँ क्या चल रहा है। तुम बस समझ ही गई लीजी, मुझे पता चल गया तुम एक वैम्पायर हो लियाना। अब मैं क्या करूं? मुझे डैड को बताना होगा। मैं तुम्हें उन्हें बताने नहीं दूंगी बहन, वैम्पायर इतनी जल्दी हार नहीं मानते। सेल्फीज आपके मूड को अच्छा करने का बढ़िया तरीका है, पर अभी कुछ भी लीजी को खुश नहीं कर सकता। वो आज रात सोने नहीं वाली है, आखिरकार उसके साथ एक असली वैम्पायर सो रही है। आराम करो बहन। क्या सोना है? पर मुझे सोना नहीं है। अब कुछ वैम्पायर प्रैंक्स का वक्त है, लीजी इसे बहुत डरने वाली है। चलो इसे दिखाते हैं कि वैम्पायर होना कैसा लगता है। इन सुंदर दांतों को देखो, स्वीट ड्रीम्स लीजी। हाँ, अजीब है, कल क्या हुआ था? लियाना ने मुझे काट लिया। क्या मैं सच में एक वैम्पायर हूँ? ये बिल्कुल मेरे सपने जैसा है। प्रैंक बढ़िया रहा, बस छोटे से काम का वक्त है, अब सब परफेक्ट है। वो मैं शीशे में दिखाई नहीं दे रही, ये सच है। शुक्रिया लियाना, पर हमारा प्रैंक अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब गार्लिक ट्रिक का वक्त है, तुम इसे किसी भी तरह नहीं खा पाओगी लीजी। सब हो गया, ब्रेकफास्ट का वक्त है बहन, मुझे गार्लिक टेस्ट को भी पास करना होगा। हाँ, ये रहे, यहाँ आओ। ईव, ये क्या है? बिल्कुल भी नहीं, आपसे कोई गार्लिक नहीं। वैसे मैं एप्पल तो खा ही सकती हूँ। स्वादिष्ट। अलास, ये नकली फैंग्स भी इस स्ट्रेस को संभाल नहीं पाए। डैड, मेरे पास एक भयानक खबर है, क्या आप मानोगे? अब मैं एक वैम्पायर हूँ। नहीं, ये कैसा मजाक है लीजी, क्या तुम बीमार हो? डैड, वैम्पायर बीमार नहीं होते। आओ बहन, ये मजेदार है, क्या परफॉर्मेंस है, हमें इसे पूरे स्कूल को दिखाना है। क्या तुमने ये देखा पॉली? मैं हंसते हंसते मर ही जाऊंगी। तो तुम एक वैम्पायर हो? हाँ लीजी, खैर तुम्हारे फैंस कहाँ है? बस हमें मत काटना, ठीक है? हे, तुम शीशे में क्यों नहीं दिखती? यहाँ कौन है? ये तो तुम हो लीजी, तुम वैम्पायर नहीं हो, बस एक लूजर हो। वो मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों करते हैं? माफ करना, मेरी गलती थी। हे, तुम वही वीडियो वाली लड़की हो ना, वैम्पायर गर्ल? ओह, मुझे पता है, चलो तुम्हारा टेम्परेचर चेक करते हैं, ये मजाक नहीं है। हे, तुम क्या कर रहे हो? ना, ये बहुत मजेदार है, बढ़िया काम किया दोस्त, हाई फाइव। हमें बताओ लूजर वैम्पायर बन के कैसा लगता है? यहाँ ये सब क्या हो रहा है? मेरे अलावा मेरी बहन पर कोई नहीं हंसेगा, और तुम मुझसे बिल्कुल भी मत उलझना कॉर्टनी, मैं नहीं करूंगी, वादा करती हूँ। आखिरकार लंच टाइम हो गया, लीजी को बहुत भूख लगी है, ये बर्गर बहुत ही लजीज होगा। फिर से तुम वैम्पायर गर्ल, तुम्हें पता नहीं कि शेयर करना अच्छी बात है? हे, वो मेरा है, मुझे वापस दो। खैर, अब ये मेरा है, कोई दूसरी जगह ढूंढ लो, इसके बारे में सोचना भी मत, तुम्हारे लिए कोई बर्गर नहीं दोस्त। लगता है स्पाइडर्स तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छे रहेंगे, वो मेरी बहन का है। आ, बचाओ, कोई बचाओ, मुझे स्पाइडर्स पसंद नहीं। रुको, मेरी कैप कहाँ है? ओ, कहीं सेफ ही होगी दोस्त। बिल्कुल सही, भागते रहो भीगी बिल्ली, तुमने मुझे बचा लिया लियाना, शुक्रिया। गले मिलना, सच में आज का दिन बहुत ही बढ़िया होगा, आखिरकार आज लियाना का बर्थडे है, हमें कुछ भयानक सा सोचना होगा। ओह, आज तुम्हारा स्पेशल दिन है। हाँ स्वीटी, तो फिर चलो मजे करते हैं। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी फैमिली, हैप्पी बर्थडे लियाना, बधाई हो। वहाँ कौन है? मैं फाइट करे बिना नहीं हारूंगी। ओह, ये आप लोग हैं, क्या तुम ठीक हो लियाना? मैं बस मजाक कर रही थी। खैर, वैसे ये बहुत बढ़िया मजाक था स्वीटी, आप केक के बारे में क्या ख्याल है? जरूर डैड। ओह, पर यहाँ थोड़ी गलती हो गई है, अब ये ठीक है। ठीक है, इसे जलाते हैं, अब विश मांगने का वक्त है, आज सभी सपने सच हो जाएंगे।
ठीक है गर्ल, अब फोटो खींचने का वक्त है। चलो देखें कैसी आई है। ये क्या है? लियाना कहाँ है? डैड, आपने देख लिया? मैं आपको समझाती हूँ, ये सब बहुत अजीब है, मुझे जरा सोचने दो। तो लियाना एक वैम्पायर है? हाँ। खैर, जानकर खुशी हुई, अब हमारी फैमिली में हमारे पास सच में क्वीन ऑफ द नाइट है। खुशखबरी कभी भी आ जाती है। I love you, लियाना। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कितनी सुंदर रिंग है। हाँ ब्रैंडन, डेबी का भी आज खास दिन है। हनी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये प्लास्टिक की रिंग बहुत प्यारी है, तुम ऐसा मौका नहीं छोड़ सकते। मैं करूंगी एलेक्स। सियू के पास भी सेलिब्रेट करने के लिए कुछ है। हनी, मेरी वाइफ बन जाओ, ले, बहुत रोमांटिक है। मेरी हाँ है मेरी जान, और ये बातें आपने दोस्तों को बताने का अच्छा मौका है। तुम लड़कियाँ मानोगी नहीं, उसने मुझे प्रपोज किया। लियाना, सियू और डेबी अब एंगेज्ड हैं। चलो सबसे जरूरी चीज से शुरू करते हैं, ड्रेस। सियू और लियाना को इससे कोई परेशानी नहीं होगी, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं। हाँ, और दूसरी तरफ डेबी के पास कुछ नहीं है, स्टोर में देखने के लिए कुछ नहीं है। ये ड्रेस लियाना पर अच्छी लगेगी। सब लड़कियाँ जल जाएंगी, और सियू ने भी परफेक्ट आउटफिट चुन ली। ट्राई करने का टाइम है, ये शानदार है। सियू, जल्दी यहाँ आओ। आ रही हूँ। और यहाँ से शादी की तैयारियाँ शुरू हो गई। तुम बहुत बड़ी धोखेबाज हो लियाना। तुम हो सियू, परफेक्ट ड्रेस की खोज जारी है। और डेबी ने सोच लिया है, अगर तुम ड्रेस नहीं खरीद सकते तो खुद सिल तो सकते हो। सुई, धागा और कैंची, चलो करें। हाथों का हुनर और थोड़ी सी क्रिएटिविटी कमाल कर जाती है, बढ़िया लग रहा है। और बर्लेप वाली वेडिंग आउटफिट तैयार है, मुझे लड़कियों को दिखानी चाहिए। लड़कियों, कैसी लग रही है? डेबी, ये प्यारी है, तुम असली डिजाइनर हो। डेबी सबसे अच्छी डेट की हकदार है, और आज के मेन्यू में कुछ खास है। हनी, ये नूडल्स बहुत स्वाद है। लेने अपनी फियांसे के लिए कुछ खास तैयारियां की है। मील के मजे लो बेब, ये ड्रीम डेट है। लेकिन लियाना इतनी आसानी से खुश नहीं होगी, उसको हर चीज बढ़िया मिलनी चाहिए। हनी, तुम्हें कुछ लग गया है, मैं मदद करती हूँ, और तुम कचरे को फेंक सकते हो। कितने खुशहाल कपल्स हैं। लेकिन अब तूफान आने वाला है। नहीं ब्रैंडन, क्या तुमने कुछ देखा? ले के पास भी सेम बोट आई है, हमने ये बोट आई पहले खरीदी थी। लियाना, और ये ऐसी बहस है जिसमें वो ना पड़े तो बेहतर है। अच्छी बोट आई है दोस्त, तुम्हारी भी। लड़कियों, लड़ो मत, ये सिर्फ बोट आईज है। ये सच है, अब करने को और भी जरूरी चीजें हैं। मुझे मेरी वेडिंग के इनविटेशन देने हैं। सियो और ले के पास भी है, एलेक्स और डेबी तैयार नहीं है। लेकिन ये सही करना आसान है, एक अच्छा ओल्ड फैशन मार्कर काम आएगा। टॉयलेट पेपर भी अच्छा है। रिंग्स का क्या? वो सबसे जरूरी चीज है। एलेक्स, देखो ये कितनी सुंदर है। लेकिन प्राइस टैग, इसमें इतने सारे जीरोस क्यों हैं? इधर आओ मेरी जान। डेबी, हमारे पास इतने सारे पैसे नहीं है, हमें डायमंड्स के बारे में भूलना पड़ेगा। हमारी परेशानी का सॉल्यूशन पेंटेड रिंग्स है। ये सुंदर है, और सबसे जरूरी बात ये है कि ये फ्री है। अमीर लोगों के साथ बहुत आसानी हो जाती है, उनके पास हर तरह के रिंग्स के लिए पैसे हैं। ये डायमंड्स चमक रहे हैं, लेकिन ये बहुत नॉर्मल है। एक मिनट, ये खास क्लाइंट्स हैं, और उनको कुछ खास चाहिए। इस रिंग की तरह ये डायमंड अमीर ब्राइड के लिए एकदम सही है, और लियाना की कुछ अलग जरूरतें हैं। गोल्ड और डायमंड्स, मैं इनसे थक गई हूँ।
इनके पास हमारे लिए यहाँ कोई अच्छे रिंग्स नहीं है। ये बहुत भयानक है। हम शादी रोक रहे हैं ब्रांडन। लियाना शांत हो जाओ, ये रिंग कैसी रहेगी? ग्रूम को पता है अपने ब्राइड को कैसे खुश करना है। हनी मेरे पीछे आओ, हमें शादी की तैयारियां भी करनी है। ये लोग बैचलर पार्टीज करने वाले हैं। आखिरकार मेरा पैकेज आ गया। अमीर ब्राइड के लिए अमीर शूज, सिंपल और सुंदर। उप्स, हील्स बस थोड़ी सी ऊंची है। सियू मेरे वेडिंग शूज देखो। ओह तुम ये रही, क्या हुआ था? ओह कुछ नहीं, तुम भी नए शूज लाए। कितना स्टाइलिश सॉल्यूशन है। स्लिपर्स, नेल्स और बस हो गया, कोई खर्चा नहीं। बहुत अमीर ब्राइट के पास सॉलिड गोल्ड शूज हैं। वो बहुत सुंदर है लेकिन बहुत भारी भी है। हनी पकड़ो मुझे, मैं तुम्हें नीचे उठा कर ले जाता हूँ। स्वीट हार्ट ये सब पैसे बहुत भारी है। शादी से पहले तुम्हें तैयार होना होता है। हे, मैं आ गई। अमीर ब्राइड्स इंतजार कर सकती हैं, है ना? बहुत अमीर ब्राइड्स की बारी पहले आती है। बैठ जाओ मिस, मुझे मेरी शादी पर चमकना है। राइनस्टोन्स और सीक्वेंस तैयार हो जाओ। ये असली खूबसूरती का जादू है और ये अल्ट्रा रिच मेकअप बहुत महंगा है। डेबी के पास पैसे नहीं है, उसको चालाक होना होगा। बस अमीर मेकअप कॉपी कर लो। लियाना क्या तुम मेरी मदद करोगी? वो क्या कर रही है? उनको बस लड़ना है। स्टेंसिल तैयार है और अब इसे चेहरे पर लगाओ। ये काम कर गया, मैंने तुम्हें कहा था लियाना ये काम करेगा। ओह नहीं, ये तो जल गया। सियू तुम्हारे बाल, स्टाइलिंग सही नहीं थी और बाल खराब हो गए। यहाँ आसपास विग्स कहाँ मिलती है? अर्जेंट है। सेरेमनी के लिए सब कुछ तैयार है लेकिन करने को अभी और चीज है। ग्रूम्स को तैयार होना है। एलेक्स ये अच्छा नहीं है लेकिन उसके पास दूसरी कोई आउटफिट नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं? वेडिंग ड्रेस अगर थोड़ी छोटी होती तो और भी सुंदर लगेगी। हनी ये तुम्हारे लिए। अब एलेक्स डेंटल मैन लग रहा है। ये रहा ब्रांडन। बेब क्या तुम शादी पर ये पहनोगी? बिल्कुल नहीं, तुम्हें अलग सूट चाहिए। लियाना के पास पहले ही ऑप्शंस है। अपनी पसंद चुनो मेरी जान। ये कैसा रहेगा? इसके बारे में सोचना भी मत, ये सूट बेहतर है। ब्रांडन को फैशन के बारे में कुछ नहीं पता लेकिन अब ये मिलियन बक्स की तरह लग रहा है। हनी अभी नहीं हुआ, आज तुम कुछ अच्छे नहीं लग रहे। अगर हम नहीं करेंगे तो कुछ हो जाएगा। लियाना बहस मत करो ब्रांडन, तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें पसंद आया? ये तुमने क्या किया लियाना? ये तो बस एक छोटा सा प्रैंक है, तुम्हें खुद देखना चाहिए। ले हमेशा बिजी होता है, अब उसके सूट चुनने का समय आ गया है। लेकिन ग्रूम कोई जरूरी मीटिंग कर रहा है, बाकी सब इंतजार कर सकते हैं। ओह हाँ, हम इस बारे में देखते हैं। सियू ग्रूम के लिए सूट खुद चुनेगी। ये सूट बेस्ट है, ले को पसंद आएगा। हनी अभी के अभी इधर आओ। बढ़िया, ले पूरी दुनिया का सबसे स्टाइलिश ग्रूम होगा। और अब वेडिंग बुके खरीदने का समय आ गया है और डेबी लाइन में सबसे आगे खड़ी है। मेरे पास जो है यही है। कोई बात नहीं, उनके पास हर बजट के लिए फ्लावर्स है। वो हो एक ब्रोकली बुके, ये सुंदर है। और मुझे सबसे महंगा बुके चाहिए प्लीज। तुम्हें मिल जाएगा, ये फ्लावर ड्रेस के साथ एकदम मैच होंगे। और बहुत अमीर ब्राइड ने इसे और आसान बना दिया। एक बुके के बदले में इस दुनिया की सारी दौलत, और उन्होंने एक बुके बना दिया। बस गिर मत जाना, उन्हें पार्टी की फील लेने के लिए बहुत सारा सोडा चाहिए होगा।
लेकिन ब्राइड्स उदास नहीं है। ये ही हमारी शादी होने वाली है। तो दोस्तों आखिरी गेम, रुक जाओ दोस्त, हम कर दिखाएंगे, लेकिन ये सही नहीं जा रहा। कल से अब और गेम नहीं खेल पाएंगे और ब्राइड्स की पार्टी जोरों शोरों पर है। ये हम कल शादी शुदा हो जाएंगे, हमने कर दिखाया लड़कियों। और अब बैचलर पार्टी का मेन रिवाज, सबसे कीमती चीजों को गुड बाय बोलना। चलो भी एलेक्स, तुम कर सकते हो। ओह नहीं, बहादुर बनो, तुम्हें अब तुम्हारी पुरानी जिंदगी वापस नहीं मिल सकती। सब खत्म हो गया और हमारी ब्राइड्स फ्यूचर के बारे में सोचकर खुश है। फैमिली से बेहतर क्या हो सकता है? शायद शादी करना इतना भी बुरा नहीं है। दोस्तों हम बहुत लकी हैं, हमें ऐसी ब्राइड्स मिली। देखो वो कितनी सुंदर है। कल हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा। बहुत अमीर वेडिंग एक बड़े इवेंट जैसी है। अब से तुम हस्बैंड और वाइफ हुए। आज सारे सपने सच हो गए। और कन्फेटी नहीं, सिर्फ पैसे। कितने सुंदर कपल है, उनकी अमीरी मेरी आंखों में आंसू ला रही है। लेकिन यहाँ और कपल्स भी है। आहा। सियू, ले, क्या तुम तैयार हो? अब से तुम हस्बैंड और वाइफ हुए। ये हो गया हमेशा के लिए साथ। और ये कपल, यही शुरू हो गया। अब दूसरे कपल की बारी है। एलेक्स, डेबी, ओह चलो भी, हम सीधा किस पर चलते हैं। ये वेडिंग चेयर उनके लिए गिफ्ट है और एडिबल बुके बहुत सही है। हनी, तुम कुछ भूल गए? ओह हाँ, किस। चलो अब वेडिंग फोटोशूट पर चलते हैं। फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, जरूरी बात ये होती है कि तुम एक दूसरे को कितना प्यार करते हो। हम छुट्टियों पर हैं। लॉरी अपनी ड्रीम ट्रिप पर जा रही है, पर लगता है टिकट्स के लिए तुम्हें पैसे देने होंगे। लॉरी की जेबें खाली हैं, पर उसके पास क्रिसमस स्टॉकिंग्स है और एक बनाना भी। मजे करो, हम बस असली पैसे ही लेते हैं। ये अजीब रूल है, पर अगर तुम कहती हो तो क्या ये काफी है? वहीं दूसरी तरफ एबी के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, बिजनेस क्लास टिकट्स और चेंज रख लेना। वाह क्या किस्मत है, अमीर कस्टमर को बढ़िया सीट्स मिलती हैं। आपका हॉलिडे बढ़िया हो मिस एबी। गरीब टूरिस्ट के बारे में क्या? ठीक है, यहाँ उसके लिए भी जगह है। चलो बीच पर चलते हैं। सभी ध्यान दे, लॉरी आ गई है और वो भी वेकेशन पर जा रही है। ओह कितनी बुरी है। अच्छा रहेगा कि उससे दूर रहे। मुझे एक अल्ट्रा रिच टिकट चाहिए, पैसे कोई चीज नहीं है। वाह कितने कैरेट का है आपकी टिकट मिस लियाना। शुक्रिया, और मेरे पास सामान है, कुछ तो ना मत बच्चे। उन्हें अल्ट्रा रिच लगेज चेक करना होगा। ठीक है चलो देखें। स्कैनर में दिखा रहा है कि उसके अंदर काफी मेटल है। सूटकेस खोलो अभी, यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, बस थोड़ा सा गोल्ड है। ठीक है बस थोड़ा सा। परेशानी के लिए माफ करना, तुम अपनी सीट ले सकते हो। अमीर टूरिस्ट हमेशा आराम से रहते हैं और नजारा शानदार है। मैं वहाँ पहुँचने का इंतजार नहीं कर सकती। और लियाना एक अल्ट्रा मेगा लग्जरी फ्लाइट पर है, वो आराम कर रही है। वाह क्या ये सच में पायलट है? ये बहुत हैंडसम है, उसने स्माइल की। ओह ये किस्मत में ही लिखा होगा। हेलो, कॉकपिट में स्वागत है। अगर पायलट का ध्यान ना भटके तो अच्छा है, इससे मुसीबत हो सकती है। क्या हम पहुंच गए? ओह नहीं, ये कोई वेकेशन नहीं है, प्लेन तो क्रैश हो गया है। बचाओ बचाओ, सभी कहाँ हैं? ये लॉरी यहाँ अकेली नहीं है, उसे लियाना की मदद करनी होगी। हे उठ जाओ, चलो भी। ठीक है अब कुछ कर दिखाने का समय है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लियाना उठ जाओ। ओ, प्लीज। अच्छा है कि लॉरी ने फर्स्ट एड कोर्स किया है, वो लियाना को बचा सकती है। ये काम बन गया। कितनी बेकार फ्लाइट थी, मैं इस प्लेन को एक स्टार दूंगी।
क्या यहाँ आसपास कोई बढ़िया होटल है? लियाना देखो, सूटकेस के पैर कब से आ गए? लियाना चलो चले, फ्रीज रखो, फ्रीज। रुको, चलो सूटकेस खोलते हैं। ये अमीर एबी है, वो भी बच गई है। हम तीनों यहाँ पर काफी मजे करेंगे, इससे बुरा नहीं हो सकता है। वायलेंट पर फंस गए हैं। ओह देखो, वहाँ हेलीकॉप्टर है, हमें कुछ करना होगा। लियाना कुछ करने वाली है, पैसे हमेशा उसका साथ देते हैं। तुम्हें बस स्टैंड पर एक मैसेज लिखना है, पर मिलियंस डॉलर्स भी हवा को रोक नहीं सकते। नहीं जाओ मत, घबराओ मत लियाना, हमारे पास कार्डबोर्ड है, चलो इसे कट करें और हमें बूमरैंग मिलेगा। क्या तुम्हें ये पसंद आया? ये हम तक वापस आएगा। चलो बूमरैंग फेंकते हैं। पर लॉरी ने ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेट नहीं की थी। क्या तुम ठीक हो अभी? बुरा नहीं है, पर एक टॉय हेलीकॉप्टर हमें नहीं बचा पाएगा। पर आखिरकार टूरिस्ट लकी निकले, ये एक सूटकेस है, जरूर क्रैश प्लेन से आया होगा। पता चला कि सूटकेस में काफी सारा काम का सामान है। अब लियाना और एबी आइलैंड पर सबसे खूबसूरत होंगे, और लॉरी को कुछ नहीं मिला। तुम लड़कियों को आखिर हो क्या गया है? आइलैंड मेड्स का ब्यूटी मोमेंट आ चुका है। जो भी हो, लॉरी के दूसरे प्लान्स हैं। स्पीयर तैयार है, जिसका मतलब है कि ये शिकार का समय है। लगता है वो पागल हो गई है, पर लॉरी का सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। लड़कियों ये काम कर गया, मुझे काफी खाना मिल गया, हमें भी दो, लालची मत बनो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, अपना खाना खुद खाओ। ओ हाँ लॉरी, तुम इंतजार करो। और अमीर टूरिस्ट शुरू हो गई, पर पता चला कि खाना लाना काफी मुश्किल है। फेल, हार मान गई। तुम्हारा लंच कहाँ है लड़कियों? इससे काम नहीं बना लॉरी। कोई बात नहीं, इसमें से खा लो। यहाँ आइलैंड पर बहुत गर्मी है, हम कहाँ छिपेंगे? पर यहाँ आसपास बस रेत ही है। लड़कियों क्या तुम ये देख रही हो? मेरे साथ आओ, साथ रहो लड़कियों, हम जंगल में जा रहे हैं। टारगेट काफी पास है, ये बुरा नहीं है, पर ये ठंडा है। मुझे पता है क्या करना है लड़कियों, हम आग जलाने वाले हैं, हमें बस थोड़ी चिंगारी चाहिए। फिर से लॉरी, उसके पास हमेशा आइडियाज होते हैं। चिंगारी से काम नहीं बना, पर लियाना के डायमंड से काम बन गया। शुक्रिया दोस्त, जरा इसको देखो लड़कियों, ये काफी रहस्यमय लगता है। अगर ये खाना हुआ तो, काश मैं वो ले पाती। फिर काम बन गया। ओ, ये क्या है? ये मुझे काट रही है। लड़कियों मेरी मदद करो, मुझ पर हमला हुआ है। तुम बढ़िया लग रही हो लड़की, काश मेरे लिप्स भी ऐसे ही होते। अगर मैं लियाना, इस बारे में सोचना भी मत। इस जंगल में छिपने की कोई जगह नहीं है, यहाँ पेड़ों के अलावा कुछ नहीं है। पर अगर तुम्हें असली खजाना मिल गया तो? लड़कियों ये एक फोन है, ये पुराना है, पर लगता है इससे काम बन जाए। इसे वापस दो लियाना, तुम्हें पहले ये सुखाना होगा। मेरे पास एक लकी सॉक है, चलो अब एक फैन बनाएं। बढ़िया आइडिया है लॉरी, अब मेरी बारी। ये कुछ वेकेशन सेल्फीज लेने का समय है। एक सुनसान आइलैंड एक असली एडवेंचर की तरह है। अभी ये मुझे अभी दो, हमें मदद के लिए कॉल करनी होगी। यहाँ सिग्नल आ रहा है। ओ नहीं, बैटरी खत्म हो गई, मुझे अकेला छोड़ दो अभी, ये सब तुम्हारी गलती है। ओह मुझे बहुत भूख लगी है। रुको, हम जंगल में हैं, इसका मतलब यहाँ काफी खाना है, चलो चलकर ढूंढते हैं। ओह नहीं, क्रॉक्स खाना नहीं होता। सारा खाना कहाँ है? लॉरी का सब्र खत्म हो रहा है। हाँ ये हुई ना बात। स्वादिष्ट लगता है। लड़कियों आउट, लग गई। पर लॉरी लकी निकली, एक ऑरेंज और एक और। क्या किसी को एप्पल्स चाहिए? कोई बात नहीं, लॉरी को सब कुछ मिल रहा है। टूरिस्ट शानदार लंच करेंगे, बिल्कुल एक रिजॉर्ट की तरह। चलो ले लो लड़कियों, बहुत अच्छे लॉरी, शुक्रिया दोस्त।
ध्यान से लियाना, तुमने मॉन्स्टर को पकड़ लिया। हे भगवान बचाओ। चलो बिहानी, यहाँ काफी खतरा है। हे, तुम कहाँ जा रही हो? हमें इस आइलैंड से निकलना होगा। एक राफ्ट ही मदद कर सकता है। चलो ड्राइंग बनाते हैं। लियाना, सेल को मत भूलना और मेस्ट भी नहीं। जल्दी करो लियाना, ज्यादा समय नहीं बचा है। राफ्ट जरूर लकड़ी से बना होना चाहिए। तो हम बिल्डिंग मटेरियल इकट्ठा करेंगे। तुम्हें कई स्टिक्स चाहिए। आह, ये आसान नहीं था। लगी रहो एबी। और अब सबसे जरूरी चीज, चलो राफ्ट बनाते हैं। लड़कियों, क्या मैं बीच में आ रही हूँ? नहीं लॉरी, हम यहाँ राफ्ट बना रहे हैं। एक राफ्ट? ये तो बस कुछ लकड़ियाँ हैं। लड़कियों प्लीज लड़ो मत। हे, देखो एक बॉल। ये आई कहाँ से? ये टूरिस्ट जंगल से बाहर निकल गए और उसी समय पार्टी में चले गए। लड़कियों, मुझे ये पसंद है। दोस्तों हाय, क्या मैं ज्वाइन कर सकती हूँ? इस पार्टी में हर गेस्ट का स्वागत है। और अब सन बेथिंग। हाय फाइव लड़कियों। ओह हाँ, तुम भी यही हो लॉरी। और यहाँ पर तुम्हें सब कुछ चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, ये फिर से वही है। ओह नहीं, वो पायलट मुसीबत के अलावा कुछ नहीं है। लियाना, हमें जाना होगा। चलो भी, वो अजीब है, शायद उन्होंने कुछ ज्यादा ही धूप सेक ली है।